ताया बापू दा भाई पर वो तो वड्डा उम्र च, चाचा बापू दा भाई पर वो तो छोटा, द्योर हसबेंड दा छोटा भाई, जेठ हसबेंड दा वड्डा भाई, नणंद भूआ फुफड़, हर रिश्ता डिकलेयर्ड है। उधर अंग्रेजी दो गल्लां च निपट जांदा है, अंकल आंटी एंड ब्रदर इन लॉ। असीं पुछदे रहिंदे हां भरावा किधरले पास्यों ब्रदर इन लॉ है, जीजा है जां साला है, उस हिसाब नाल इज्जत करिए दी। बस ब्रदर इन लॉ ही है उधर सारा। साडे कोल अपनी बोली इन्नी वधिया है, एड्डी पूंजी साडे कोल पई है, असीं क्यों इधर उधर भड़किए। सो इस करके अज का दिन जेड़ा वो खास इस करके कि अज 5700 तो 5714 साडियां भैणां छोटे मोटे जिहड़े धंधे सी उन्हां छड के अज वो सरकार दे परिवार दा हिस्सा बन रही ने, और पंजाब सरकार दा परिवार वो परिवार है जिहड़ा अपने हरेक जी दा ख्याल रखता है। जिवें आर्मी अपने फौजी दा ख्याल रखती है ना, असी अपने हरेक जी दा ख्याल रखते। असी ये नहीं देखते इहदा ओहदा की है, इहदी तनखाह किन्नी है, असी कहने परिवार दा मैंबर है, परिवार है। सो कदे भी अपने आप नूं घट नहीं समझना। मैं विमन डे ते लोक सभा दे विच डिबेट सी, कहिंदे वी अज सिर्फ लेडीज़ जिहड़ियां एमपी ने उही बोलणगियां। हुण इधरों मैं कल्ला सी, मैं कहा जी जिन्हां दी लेडीज़ एमपी है नहीं वो भी बोलना चाहुंदे है जी, मैं भी बोलना चाहुंदा जी। तो फिर उत्थे उन्होंने मैनूं इजाजत देती, मैं उत्थे कहा सीगा कि हुण कुड़ियां चिड़ियां, कुड़ियां बेचारियां गऊआं, ये चिड़िया गऊआं दा जमाना गया, शेरनियां बनन दा टाइम है, शेरनियां केड़ी गलों चिड़िया गऊआं एवें जिथे मर्जी देख लो, सब तो अगे पढ़ाई च, सब तो अगे पायलट कुड़िया, कल्पना चावला वर्गिया जिन्हां ने स्पेस दुनिया ब्रह्मंड गाते, तो साड़ियां धीआं ने। फिर मैं उत्थे एक शेर भी बोलिया सी, एक कुड़ी जिहड़ी हजे पैदा नहीं होई, मां दी कुख दे विच है ती, ओ पेट दे अंदरों गल कर रही है अपनी मां नाल, कहिंदी आ जा बैठ नहीं माए, आ जा बैठ नहीं माए, गल्लां करिए कम दियां, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, मावां ही ने जम दियां, की पता मैं जम देवां, कोई अगमड़ा मर्द नहीं माए, कुख दे विच ना कतल कराई, आही मेरी अर्जनी माए। की पता केड़ी मां ने कौन सूरमा जम देना जी। सो असी टेस्ट कराउण लग गए जी, असी लग गए कि नहीं बस कुड़ी नहीं होण, बस हुण अगे छोटियां भैणां दा रवाज खत्म होण लग्गिआ। अज नोट कर लिओ मेरी गल, लिख लिओ, इत्थे विद्वान बैठे ने, छोटियां भैणां दा रवाज खत्म होगा, क्योंकि जिन्हां दे एक बेटा हो गया बस वो कहिंदे चंगा जी धन्नवाद, बहुत बेटा देता, बहुत धन्नवाद। हाँ पहला कुड़ी होगी फिर कहिंदे एक भाई होना चाहिए, वड्डी भैण हो जाऊगी, छोटियां भैणां दा रवाज ही खत्म होगा। देखो इन्ने असी लग गए यार किहड़े कम्मां च पै गए आपां पढ़ी लिखे। मैं जदों अंकड़े देखदा छत्तीसगढ़ बिहार नालों भी थले हाँ कुड़ियां मारन दे विच, वो घट मारदे आ पर ज्यादा मारदे आ। पढ़े लिखे कौन है अपने आप नूं वैल एजुकेटड समाज, ना किहड़ा समाज वैल एजुकेटड। कदे कदे दुख हुंदा यार की करी जांदे असीं। एक मैं कविता लिखी सी, मैं वैसे तो लिखता था बहुत कुछ रहना मैं,
पर वो हजे आई ही नहीं किते। चलो अज मैं तुहानू बहुत स्पैशल दिन है, मैं तुहानू सुना दिना। एक कुड़ी लिखती है, कहिंदी ना तां मैनू जम्मण तो पहले मारिया गया ते ना ही मेरे जम्मण दा दुख ही सहारिया गया। ना तां मैनू जम्मण तो पहले ही मारिया गया, ना ही मेरे जम्मण दा दुख ही सहारिया गया, ना ही मैनू खुल के हसण ते नचण दा मौका दिता, ना ही मैनू अपने दिल दियां दसण दा मौका दिता, ना ही मेरा खड़ौणियां वाला चा पूरिया गया। जदों भी भरा नाल लड़ाई हुई सिर्फ मैनू ही घूरिया गया, मैनू मुंडे वाले अगे नीवी पा के बहन नू कहा गया, सिर्फ ते सिर्फ हां कहन नू कहा गया। जो देखण आउंदे आ ना मुंडे वाले कुड़ी नू, मुंडे वाले कोले हां भी है ते ना भी है, कुड़ी कोले कल्ली हां है। कद देखे तुसीं भी कुड़ी वाले ने ना करती? ना। जो मुंडे वाले हां करके चलो भाई परमात्मा ने सुन ली, बहुत धन्यवाद, बहुत वधिया रिश्ता हो गया। जे वो ना करती चलो भाई कोई नहीं, कोई होर संयोग ने। मैनू मुंडे वालियां अगे नीवी पा के बहन नू कहा गया, सिर्फ ते सिर्फ हां कहन नू कहा गया। रिवाजां ते चलदियां ने इच्छावां दियां रंदियां, दूजे घर जाके भी उही पवंदियां। मैनू वापस पेके भेजण दियां चल रहियां ने गल्लां, वे दसो वे रीति रिवाजो हुण किहड़ा दर मल्लां। जां तां मैनू जम देना जां जिउण दा माहौल दिंदे, जां फिर दाज विच बंदूक पिस्तौल दिंदे। अंबरी उड़दियां कूंजां नू वी अपनी मर्जी दियां छतरियां ती तारिया गया, ना तां मैनू जम्मण तों पहले ही मारिया गया, ना ही मेरे जम्मण दा दुख ही सारे। सो अंबरी उड़दियां कूंजां नू वी जे मर्जी दियां छतरियां ते तारोंगे तां गलत हो गया, फिर उहनां नू उड़ारियां मारन दो अपनी मर्जी नाल। सो जे तियां जम्मतियां तां कोई सान नहीं करता, उन्हां नू पढ़न दा मौका दिओ, उच्चे उड्डण दा मौका दिओ। कदे भी उह तुहानू नमोशी नहीं देणगे। सो इस करके अज 500 इत्थे नियुक्ति पत्र वंडिया जाऊगा। सो हफ्ते दे विच विच सारा प्रोसैस पूरा हो के 5700 तक असी लै जाएंगे। तो अज दे मिला के 35,000 तो वध नौकरियां हो गई जी, अज तो मिला के। जे नीयत साफ होवे सब कुछ हो सकता है, नीयत साफ होनी चाहिए। कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसे नहीं, मैरिट है। वो मेरे को मैं कोई नियुक्ति पत्र वंडने सी चंडीगढ़, कोई 440 सी मेरे ख्याल च, 442 कोई बिजली बोर्ड दे SDO सी। मैनू मेरे एक MLA दा 2 दिन पहला फोन आया, कहिंदा जिहड़ा परसों नूं तुसीं 442 नूं वंड रहे हो। मैं कहा अच्छा जी, एक अपना वलंटियर है जी, बहुत कमाल है जी, अपने ही बंदा है जमा ही। मैं कहा बड़ी वधिया गल है, उहनूं मिल रहा है नियुक्ति पत्र? ना जी, कहिंदा मैं यही कहना सी उहनूं मिल नहीं रहा, 2 नंबरां 'ते रह गया। मैं कहा फिर कोई गल नहीं, अगली बारी ट्राई कर ले। नहीं नहीं, अगली बार तो नहीं, इदा मान साहब थानू हुण मेरी बेनती मनो हुण सी, 2 नंबरां 'ते रह गया बस, नहीं आ जाना सी 442 च। मैं कहा भी कोई गल नहीं, रह गया फिर? नहीं नहीं, करो कुछ फिर, बहुत तो घरें बैठा तो परिवार समेत बैठा। मैं कहा अच्छा की करिए फिर, एक नूं कढ दो। मैं कहा 443 तां कर नहीं सकते, 42 रहणगे, एक नूं कढ दो। मैं कहा भी ऐं कर, मैनू एक गल का जवाब दे दे, उदू बाद मैं कढ दूं। कहिंदे की, इह तां अपना बंदा है, तेरा खास बंदा है, तू MLA है भाई, चुनिया होया विधायक है, इह तां अपना बंदा है, 2 नंबरां 'ते रह गया पर इहनूं रख लैंदे आ, एक नूं कढ दिंदे आ, जिहड़े नूं कढांगे
ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਬ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਏ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸੀਡੀ ਕੈਸੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13-13 ਤੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ 13 'ਤੇ ਸੀ ਬਸ 13 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 13-13 ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 13 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਭਚਾਲ ਆ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ